हेलो हेलो एवरीवन, एवरीवन। एनएमसी हैज रिसेंटली अनाउंस्ड कि नेक्स्ट सेशन से नेक्स्ट एग्जाम होगा और गाइडलाइन इसकी सून ही पब्लिश की जाएंगी। कितना सून ये जानेंगे इस वीडियो में। सो गाइस, मायसेल्फ डॉक्टर आमिर, मायसेल्फ डॉक्टर इरम। सो क्वेश्चन इज व्हाट इज नेक्स्ट। सो नेक्स्ट इज नेशनल एग्जिट टेस्ट। इट इज अ प्रपोज्ड एग्जामिनेशन फॉर ऑल द एमबीबीएस स्टूडेंट्स टू ऑब्टेन अ लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन इंडिया। एंड इट इज ऑल्सो द सेम एग्जाम जिसके बेसिस पर, जिसकी रैंक के बेसिस पर आपको पीजी की सीट मिलेगी। ऑल्सो नेक्स्ट विल सर्व द पर्पज ऑफ स्क्रीनिंग ऑफ ऑल द फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन इन स्पाइट ऑफ द स्क्रीनिंग टेस्ट दैट वाज कंडक्टेड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। इन शॉर्ट, ये एक कॉमन एग्जामिनेशन होगा जो सबको देना होगा, इंडिया के एमबीबीएस स्टूडेंट्स को भी, फॉरेन के एमबीबीएस स्टूडेंट्स को भी। अगर आपको इंडिया में प्रैक्टिस करनी है तो आपको नेक्स्ट क्वालिफाई करना है, या फिर आगे स्टडी करनी है तो आपको नेक्स्ट क्वालिफाई करना ही करना है। सो यू ऑल मस्ट बी अवेयर ऑफ द नोटिस जो कि सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ है कि नेक्स्ट विल सून स्टार्ट फ्रॉम 2023 एंड द रूल्स एंड रेगुलेशन विल बी पब्लिश्ड सून। यस, 2023 से नेक्स्ट एग्जाम होगा, ये तो अभी नोटिस आया है। ये एक आरटीआई के जवाब में एनएमसी ने बोला है, बट जो बिल जिसमें नेक्स्ट एग्जाम के बारे में बताया गया था वो ऑलरेडी 2019 में पास हो चुका है। सो क्वेश्चन यही है कि इस एग्जाम को कराने का पर्पस क्या है। पर्पस ये है कि टू यूनिफाई ऑल द मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन और टू सेट यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स फॉर इंडिया सिस्टम ऑफ मेडिसिन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपको कितने अटेम्प्ट मिलेंगे इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो विकिपीडिया पर जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके हिसाब से इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स को देयर इज नो कैपिंग ऑन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, बट फॉर द फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स आप लोगों को सिर्फ 2 साल के अंदर ये एग्जाम क्लियर करना है। सो नेक्स्ट की प्रिपरेशन आपको कब से स्टार्ट करनी है। वी विल सजेस्ट कि आप फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट कर दें और मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको सेकेंड ईयर से स्टार्ट करनी है। वी गाइज ऑलवेज सजेस्ट कि नीट पीजी की प्रिपरेशन थर्ड ईयर से स्टार्ट करनी होती है, बट अब की बार कंडीशन दूसरी है, क्योंकि अभी तक इंडियन स्टूडेंट्स के साथ ये होता था कि अगर आप नीट पीजी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो तो आप एमबीबीएस के बेसिस पे जॉब कर सकते हो, अगले साल के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। बट अगर आप नेक्स्ट एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तो यू कांट हैव योर लाइसेंस, आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आप सिर्फ अगले साल के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। तो अगर आप इंडियन हो या फॉरेन हो, इसके हिसाब से तो आप सारे इक्वल हो और आपको नेक्स्ट एग्जाम क्वालिफाई करना ही करना है, तो इसलिए इसमें आप वन इन ए मिलियन, वन इन ए बिलियन कुछ भी रिस्क नहीं ले सकते। सो इसीलिए हम लोगों का सजेशन यही है कि आप अपनी प्रिपरेशन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शुरू कर दें और पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन तो एमसीक्यू ही होगा। एंड अच्छा डॉक्टर बनने के लिए आपको अच्छे से पढ़ना होगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप टेक्स्ट बुक के साथ साथ ऑनलाइन रिसोर्सेज यूज करें तो आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी हो जाएगी। ऑनलाइन के लिए यू कैन हैव प्रेप लेटर, बिकॉज एमसीक्यूज का कंप्लीट क्वेश्चन बैंक तो प्रेप लेटर पर है ही। एंड यू ऑल नो कि पिछले साल के नीट पीजी एग्जाम में 90% से ज्यादा क्वेश्चन जो है डायरेक्टली प्रेप लेटर के नोट्स या एमसीक्यूज से आए, साथ साथ वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। और वीडियो लेक्चर्स अच्छी बात यह है कि इतने हैं जितने कि आप कंप्लीट कर सको और जो सारे टॉपिक्स को कवर करते हो। ऑल्सो दे आर प्रोवाइडिंग क्रिस्प एंड कंसाइज नोट्स, क्योंकि अल्टीमेटली हम कितनी भी कोशिश कर लें टेक्स्ट बुक से सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता एंड वी हैव टू मेक नोट्स, एंड प्रिपरेटर इज ऑलरेडी प्रोवाइडिंग अस नोट्स जिसके बेसिस पे प्रिपरेशन करना बहुत ईजी होता है और अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। साथ साथ हम लोग ये एडवाइस कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके टेस्ट सीरीज शुरू कर दो, टेस्ट देना शुरू कर दो, एंड प्रेप लेटर पर आपको एग्जाम स्टाइल टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। सो इसीलिए हम लोगों का सजेशन ये है कि आप जितना जल्दी हो सके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, डोंट टेक रिस्क, बिकॉज ये एग्जाम आप लोगों के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर यू नो आप जरा सा भी रिस्क नहीं ले सकते, प्रिपरेशन शुरू कर दो। विश यू ऑल द बेस्ट। विश यू ऑल द बेस्ट।